हेलो भाई, दो वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर चुका हूँ पहले, जिसमें अपना PFE का था, मोड ऑफ़ ई ट्रांसफ़र, उसके बाद एग एंड एग प्रोडक्ट्स का किया था। अभी जो नेक्स्ट है वो अपना है टाइप ऑफ फिश, फिश वाला जो टॉपिक है, टाइप ऑफ फिश, कंपोजिशन एंड न्यूट्रिटी वैल्यू, जजिंग ऑफ फ्रेशनेस ऑफ फिश। ठीक है, टाइप ऑफ फिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार 4 नंबर में आ जाता है कि टाइप ऑफ फिश कौन कौन से हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देर आर अबाउट, मतलब 25,000 से ज़्यादा स्पीसीज फिश की जो लिविंग है, अलग अलग साइज़ की। ठीक है, और अलग अलग उनके शेप स्ट्रक्चर, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको डिफाइन किया जाता है। तो बहुत टाइप की स्पीसीज फिश की अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें फिश को, आर ब्रॉडली क्लासीफाइड एज फिन फिश। दो तरह से हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ब्रॉडली, एक तो फिन फिश और एक शेल फिश। फिन फिश बेसिकली क्या होती है, वर्टिब्रेट्स। अच्छा, पहले बता देता हूँ, वर्टिब्रेट्स होता है और एक होता है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स वो चीज, वर्टिब्रेट्स अकेली फिश के अंदर नहीं होता, वर्टिब्रेट्स किसी भी एनिमल किंगडम की बात करें, वो एनिमल किंगडम जिसके अंदर हमारे बैकबोन्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। और जिसके ब्रॉड तौर पे अगर आप डिफरेंशिएट करने की बात करें, और जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, अच्छा, तो फिश हैविंग वर्टिब्रेट्स विद फिन अपेंडेज। फिन फिन मतलब मछली आपस सारे बनाते हैं, तो साइड में जैसे पंख होते हैं आपस, एक तरह से हम ये बोलते हैं कि जो जहाज है, जहाज के साइडों में जो पंख होते हैं, उस तरह के ही पंख से जो फिश के अंदर होते हैं उसको फिन्स बोलते हैं। ठीक है, इनका मेनली काम क्या होता है, बॉडी को मूवमेंट देने में हेल्प करना और बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, तो फिन फिश भी आगे दो टाइप में डिवाइडेड रहती है, वाइट फिश और ऑयल रिच फिश। वाइट फिश वो जिसको लीन फिश बोलते हैं, लीन फिश हमें पता है, लीन मीट, जहाँ पर जो फैट परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, वाइट फिश आर समटाइम्स रेफर्ड एज लीन फिश बिकॉज ऑल द लोएस्ट, मतलब इसके अंदर जो ऑयल परसेंटेज है वो बेसिकली लीवर के अंदर ही अवेलेबल होता है, इसलिए इसको वाइट फिश बोला जाता है। राउंड वाइट फिश, फ्लैट वाइट फिश और कार्टिलाजिनियस फिश। ठीक है, तो अलग अलग तरह के, जैसे कार्टिलाजिनियस फिश में इसमें शार्क आ जाती है, और फ्लैट फिश के अंदर ब्लैक सोल, ठीक है, लेमन सोल, इस तरह की आ जाती हैं। और राउंड फिश के अंदर है हेड कोक, पॉल कोक, कॉड, इस तरह की आ जाती हैं। दूसरी यार ऑयल रिच, ऑयल रिच वो जहाँ पर जो ऑयल है वो अवेलेबल है थ्रू आउट द फ्लैश ऑफ फिश, मतलब पूरे एरिया, पूरी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग बात करें कि एग्स के केस में भी क्या होता है कि एग के दो पार्ट हैं बेसिकली, जो ऑयल कंटेंट होता है वो बेसिकली ज़्यादातर किस में मिलता है, एग योक में। तो इसी तरह की हम कह सकते हैं कि वाइट फिश क्या है, वाइट फिश वो फिश है जहाँ पर फिश के अंदर एक तो फैट परसेंटेज कम है, और वो फैट जो है, ऑयल है, वो मेनली मिलता है किसमें, लीवर में। ऑयल फिश में ऑयल भी ज़्यादा है, ऑयल रिच भी ज़्यादा है, और इसके अंदर जो ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लैश ऑफ फिश के अंदर है। ठीक है, सैलमन, ठीक है, सैलमन काफ़ी फेमस टाइप ऑफ फिश है जो ये क्या। अच्छा, इसके अंदर भी आगे अगर ऑयल रिच को भी अगर हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो दो टाइप में होती है, डर्मिसेल एंड प्लेजिक फिश। डर्मिसेल फिश आर दोज विच लीवर ऑन और नियर द सी बेड। ठीक है, और राउंड एंड फ्लैट फिश फॉल इनटू टू कैटेगरीज, आगे दो कैटेगरीज में आ जाती हैं, राउंड और फ्लैश फिश। ठीक है, डर्मिसेल को आगे कंटिन्यू कर दिया, और उसके अलावा ट्यूना इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो काफ़ी फेमस है, इसको ट्यूना कैनिंग के अंदर भी यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग बात करें सेलफिश की, जो इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आप लोगों को बता दिया था जिनके अंदर कोई बैकबोन नहीं होती। इन्वर्टिब्रेट भी आगे दो आगे कैटेगरीज आगे कर देते हैं हम लोग, टू मेन कैटेगरीज, मोलस्कस और क्रस्टेशियंस। ठीक है, मोलस्कस के अंदर आगे तीन कैटेगरीज हैं, यूनिवॉल्व, बाइवॉल्व और सेफालोपोड्स। ठीक है, यूनिवाल्व जिसके अंदर सिंगल वाल्व होता है, ठीक है, वन शेल होता है। अपना शेलफिश में ज़्यादातर जो मतलब मोलस्कस की बात करें तो इसके अंदर लगभग वो हमारे जो फिश हैं या सी एनिम वो हैं सी एनिमल्स कह सकते हैं। ठीक है,
या सी हाँ फिश जो हैं उनको उस कैटेगरी वाली काउंट करते हैं जिनके ऊपर शेल होता है, जैसे अपने वो नहीं होती सीप्स होती हैं या वो शंख टाइप के जो जिस तरह के जानवर होते हैं, ठीक है, उस तरह की कैटेगरी काफ़ी इसके अंदर मोलस्कस के अंदर ऐड होती है। जैसे ये प्रेविंकल है, प्रेविंकल के अंदर जो होते हैं वो अपने जो स्नेल्स होती हैं वो इसके अंदर काउंट होती हैं। बाइवाल्व जिसके अंदर टू शेल्स, दो शेल्स होती हैं, हिंगड इन वन एंड, मतलब दो शेल, जैसे सीप होगी अपनी, उसके अंदर ऑयस्टर्स, ठीक है, एक एग्जांपल है जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, एक है स्वेलोपॉड्स। स्वेलोपॉड्स क्या है, इनका कोई भी आउटर शेल नहीं होता, ठीक है, और बट जस्ट ए सिंगल इंटरनल एटरनल वन कॉल्ड इज पैन, ठीक है, एक सिंगल ही होता है कवर होता है, ठीक है, जैसे कटल फिश स्क्विड इसका एग्जांपल है। उसके आता है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर आर मोर मोबाइल मोबाइल क्रिएचर विद हार्ड सेगमेंट्स। ये क्या है, वो क्रस्टेशियंस वो कैटेगरी है जहाँ पर हार्ड शेल है बाहर बाहर में लेकिन फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे श्रिम्प होगी, क्रैब होगी, लॉबस्टर्स होगी, जो अपने जैसे केकड़े वगैरह हो गए, या जो इस तरह की कैटेगरी है वो क्रस्टेशियंस के अंदर काउंट होते हैं, प्रॉन्स हो गए, ठीक है। द काइंड ऑफ फिन फिश अवेलेबल फॉर फूड, जो फिन फिश है वो ज़्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू सेल फिश के, मतलब सेल फिश को अगर हम फूड की कैटेगरी में, फूड के अंदर अगर यूज़ की जाती है फिश तो होती है फिन फिश टाइप ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा, दोनों साल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर में अवेलेबल होती हैं, और वाटर के अंदर ग्रोन होने के कारण वाटर की कौन सी फिश है, कौन से पानी में ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से उनके अंदर उनकी जो क्वालिटी है, उनका फ्लेवर है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, वो सारी क्या होती हैं, डिफर हो जाती हैं, ठीक है। साल्ट वाटर में अगर कोई है तो उसका फ्लेवर होगा वो ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होगा, ज़्यादा थोड़ा सा हाई फ्लेवर जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। और दूसरा क्या है, ये जल्दी इसके अंदर क्या है, मिनरल कंटेंट है वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू, हम लोगों को बात करेंगे फ्रेश फ्रेश वाटर वाली फिश के बारे में, ठीक है। अच्छा, कॉमनली जो समुंदर से जो निकाली जाती है फिश, वो शार्क है, सैल्मन है, बॉम्बे डक है, रिबन फिश है, ट्यूना है, ये कुछ एक कॉमन ऐसी फिश हैं जो बहुत काफ़ी यूज़ की जाती हैं। दूसरी फिश आर क्लासिफाइड इनटू, अगर आप बात करें फैट परसेंटेज के हिसाब से, तो एक तो लीन होगी, एक मीडियम होगी, और एक फैट फिश होगी। लीन यानी 2% से कम फैट है जिसके अंदर, मीडियम यानी 2 से 5% है, जिसके अंदर 5% से ज़्यादा है फैट है उसको बोलेंगे फैट फिश, ठीक है। बॉम्बे डक, कॉड, हेलीबट, सॉल्स, ये कौन सी लीन फिश आती हैं। फैट फिश में सैलमन, ट्यूना, इसके अंदर क्या है, मोर देन 5% क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पिगमेंट्स हैं, वो भी खासकर फैट सोल्युबल पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तो वो थी टाइप ऑफ फिश है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फिश, कंपोजिशन ऑफ फिश के अंदर क्या है, तीन मेनली इसके अंदर अगर आप बात करें होती है मेजर, जिनको आप बोलते हैं मेजर कंपोनेंट, वाटर, प्रोटीन, फैट। वाटर 80% ऑफ फैट होता है, ठीक है, और वो इसके अंदर मिलता है। वाटर इन फ्रेश फिश मसल इज हाईली टाइटली बाउंडेड टू द प्रोटीन इन स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट बी रेडिली, मतलब क्या है, वाटर जो होता है, जो फ्रेश फिश होती हैं उसके अंदर जो पानी है वो काफ़ी टाइटली बाउंडेड होता है प्रोटीन्स के साथ, इसीलिए बहुत जल्दी हाई प्रेशर होने के बावजूद भी क्या है, ये एक्सपेल नहीं होता, एक्सपेल मतलब बाहर नहीं होता। और जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा लंबे तक टाइम तक अगर इसको चिल करके रखेंगे, प्रॉपर तरीके से अगर हम इसकी फ्रोज़न नहीं करके रखेंगे, तो प्रोटीन के साथ उसकी बाउंडिंग है वो कम हो जाती है, और इसके कारण क्या है, जो जब हम इसको दोबारा थॉइंग करते हैं तो इसके अंदर क्या है, वाटर है वो बाहर आता है, जिसको ड्रिप लॉस बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन है, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन फिश मसल इज यूजुअली समवेयर 15 से 20% तक प्रोटीन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 15% से कम भी मिलता है कईयों में, और कईयों में 28% से ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन अगर हम ब्रॉड एवरेज की बात करें तो 15 से 20% होता है। दो एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन और मेथियोनिन जो फिश में काफ़ी अवेलेबल होता है, ठीक है,
और इसलिए ऐसे सप्लीमेंट भी इनको यूज़ किया जाता है कई जगह, इनको ड्राई करके और मिला के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिश प्रोटीन प्रोवाइड ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होता है कि इसके अंदर जो इंसान की अच्छे टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में अवेलेबल है, जिसके कारण जो माइंस की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, ठीक है। दैट कंपेयर फेवरेबल दैट प्रोवाइड मीट मिल्क और एग्स के कंपैरिजन में, अगर आप बात करें तो। फैट है, फैट परसेंटेज हम लोगों आप लोग बात कर चुके हैं कि 0.1 से लेके 5% तक इसके अंदर फैट होती है। फैट ऑफ फिश इज़ रिच इन पुफा, पॉली अनसेचुरेट फैट एसिड, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और हमारे जो जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू है वो इस फिश को हम खाते हैं, अगर उसके अंदर जो फैट है वो गुड टाइप ऑफ फैट हम बोल सकते हैं होती है, जिसके कारण जो हमारे हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो इशू है वो इसके अंदर नहीं रहता। इन वाइट फिश द कॉड्स फैमिली द फैट कंटेंट ऑफ मसल इज ऑलवेज लो, तो लेस देन 1% होता है अगर मसल्स के अंदर आप फिश की बात करें तो, ठीक है। जिसके कारण क्या है, इसके अंदर लीवर में मेनली फैट अवेलेबल होता है। अगर आप बात करें मीट और पोल्ट्री के कंपैरिजन में फैट, तो फिश के अंदर फैट परसेंटेज काफ़ी कम होती है, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग मीट कौन सा जो एनिमल मीट्स थे या पोल्ट्री के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलता है। द माइनर कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट होती है, स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होती है इसके अंदर, ठीक है। और सम मोलस्कस हाउएवर कंटेन, वैसे 2% के अराउंड होती है इसके अंदर, लेकिन कुछ एक वेराइट कुछ एक हम कह सकते हैं कि स्पीसीज हैं जिनके अंदर थोड़ी जो 5% से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है एक तरह से वो माइनर इंग्रेडिएंट है, और सॉरी माइनर कंपोनेंट है फिश का। मिनरल्स है, मिनरल्स फ्रेश फिश में मिनरल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू मरीन फिश के अंदर, ठीक है। मरीन फिश के अंदर रिच इन आयोडीन होती है, आयरन होती है, जबकि फ्रेश फिश के अंदर कॉपर सल्फर फॉस्फोर से ज़्यादा होता है। विटामिन्स विटामिन्स द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीवर ऑफ फिश इज रिच इन विटामिन्स, दोज आर ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लीवर्स के अंदर से फिश की, उसके अंदर विटामिन ज़्यादा होता है, और ख़ासकर फैट सोल्युबल विटामिन जिसको हम बोलते हैं ADEN K ज़्यादा मिलता है, जबकि एक लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ विटामिन की इसके अंदर बी विटामिन बी और सी की भी अवेलेबल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो विटामिन ए या हम कह सकते हैं कि फैट सोल्युबल विटामिन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं मीट के अंदर। अच्छा, हाउ द नेक्स्ट जो लास्ट है आज का इस पार्ट का, हाउ टू जज क्वालिटी इन फ्रेश सी फूड्स। हम अगर सी फूड को मतलब सी फूड को हम आप परचेज करने जा रहे हैं, आप फिश को परचेज करने जा रहे हैं, तो कैसे उसकी जो फ्रेशनेस को आप कैसे पता करेंगे कि किस तरह उसकी क्वालिटी है, उसकी फ्रेशनेस कैसे है। वैसे तो फिश का सबसे अच्छा एक तरीका होता है उसकी एक स्मेल, जैसे जैसे फिश है वो पुरानी होने लग जाती है, और उसका जो कंज्यूम की जैसे जैसे पुरानी होगी तो उसके अंदर डिटेरियोरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और सबसे जो इजी उसको एक तरीका होता है वो उसकी स्मेल हो जाती है। लेकिन और बहुत से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि जो हमें हमारी जो फिश है उसके अंदर फ्रेशनेस कितनी है, ठीक है, वो कंजप्शन के लायक है कि नहीं है। अच्छा, फिश क्या है, पानी के अंदर अवेलेबल पानी के अंदर रहती है, और पानी के अंदर रहने के कारण जैसे ही फिश को हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत ही जल्दी इसके अंदर क्या है कि काफ़ी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस मान लो, चाहे वो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, काफ़ी स्पीड अप होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी बहुत ही जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है, या उसके अंदर स्पॉयलेज होनी जिसको हम कह सकते हैं वो जल्दी होने शुरू हो जाती है। और इसीलिए एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो फ़िश को हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने गलत फ़िश को परचेज़ कर लिया और गलत फ़िश को कंज्यूम कर लिया जो स्पॉइल्ड थी, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। फ्रेश फिश जैसे मैं लिख रखा है, फिश फिश है वो जल्दी डिटेरियरेट होने लग जाती है क्योंकि ये पानी के अंदर ओबियसली अवेलेबल है, और पानी से बाहर निकलने के कारण काफ़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर हमें कोई भी अगर अपने को फ़िश है परचेज़ करनी है, तो उसको परचेज़ करने से पहले उसके अंदर कुछ एक फैक्टर्स हैं, जैसे अपीयरेंस है, उसकी जो कलर्स हैं, उसकी जो लुक्स आर ब्राइट क्लियर आइज़ आइज़ हैं, उसके अंदर ब्राइटनेस होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए,
तब जाके ये क्या होती है, जैसे ऑयस्टर्स हैं ठीक है, मसल्स हैं, ये क्या है जिंदा बेची जाती हैं पानी के अंदर डाल के। लेकिन कुछ टाइप की जो फिश हैं उनको क्या किया जाता है, पानी से निकाल के सीधा ही रखा जाता है। और मैक्सिमम जो मार्केट है फ्रेश फिश का वो क्या है, ओपन मार्केट है, जहाँ पे बार जो अपना रोड्स पे बैठ के बेच रहे हैं, तो वहाँ पर और भी जल्दी जो फैक्टर्स हैं वो और भी जल्दी आसानी से ख़राब कर देते हैं, किसको स्पॉइलेज कर देते हैं फिश को ठीक है। अगर फेड होने लग जाए, उसकी ग्रेज आई होने लग जाए, तो इसका मतलब वो हमारे काम की ज़्यादा नहीं रही है। फिश है, डज नॉट इट शाइन, डज इट लुक मेटेलिक और हैज, अगर ये वो डल नेचर की होने लगी, अगर ये मेटेलिक होगी ठीक है, शाइन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है डिसकलर पैचेज है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं रही है। लुक एट द ग्रिल्स, ग्रिल्स जो उसके सांस लेने का जो एरिया होता है, वहाँ पे अगर रिच रेड है तो वहाँ पर क्या होगा, फेड कलर हो जाएगा, ब्रिक कलर। अगर रिच रेड कलर है तो इट मीन्स वो सही है ठीक है। लुक्स फॉर वाइब्रेंट फ्लैशिज, फ्लैशिज हैं जो उसके स्किन्स वगैरह हैं, फिलेट्स वगैरह हैं, वो क्या होनी चाहिए, वाइब्रेंट कलर की फ्लैशिज होनी चाहिए, एक शाइनी होना चाहिए ठीक है। उसके बाद है लिक्विड ऑन मीट, अगर लिक्विड है मीट पे, मिल्की लिक्विड है, और तो इसका मतलब है कि वो मीट है, वो फिश है, वो ख़राब होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद है स्मेल, स्मेल क्या है, ऑफ फ्लेवर इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, प्लीजेंट फ्लेवर आता है अगर फ्रेश, अगर आप फिश की बात करें। लेकिन अगर आप जैसे जैसे फिश ख़राब होने लग जाती है, तो उसके अंदर डिटेरियोरेटेड चेंजेस आने के कारण क्या है, ऑफ स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और उसके कारण ये भी एक जजिंग क्वालिटी है जिसके हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट, टेस्ट को हम कहीं ना कहीं इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि हम लोग फ्रेशनेस ऑफ फिश की बात कर रहे हैं जब हम लोग बाइंग कर रहे हैं ठीक है। तो जजिंग द फ्रेशनेस ऑफ फिश, फ्रेशनेस ऑफ फिश अगर वो दो फैक्टर्स जो हमारे थे अगर उनको क्लियर करती है, तो तीसरा जो होता है वो तब आता है ये टेस्ट का। लेकिन टेस्ट टेस्ट का यानी प्लीजेंट टेस्ट है अगर ठीक है, एक जब कोई फिश होती है, फ्रेश सी फूड होता है, उसको जब हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करता है, जो बंदा रेगुलरली कंज्यूम करता रहता है, वो उसकी टेस्ट बड्स हैं, और उसको ऑटोमेटिक जब वो कंज्यूम करता है तो उसको एक फ्रेशनेस की फील कराती हैं ठीक है। और वहाँ से उसको आइडिया लग जाता है कि जो फूड मटेरियल है जो वो कंज्यूम कर रहा है, जो फिश वो कंज्यूम कर रहा है, वो उसमें कितनी फ्रेशनेस थी या नहीं थी ठीक है। और लास्ट जो है वो टेक्सचर, द फ्लैश इज ऑफ फिश इज जूसी एंड टेंडर, टेक्सचर है वो क्या होता है, उसका जो जो उसके अंदर क्या है, सॉफ्टनेस, जिसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा, बहुत ही कम केसेज होते हैं जो फिश के जो की जो फ्लैशेज हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं ठीक है। और उसके अलावा क्या है, फ्लैशेज ऑफ प्रॉन्स लॉबस्टर स्क्विड शुड बी फर्म बट पुअर क्वालिटी फ्लैशेज में भी टफ, मतलब क्या, दोनों ही केसेज में जो टेक्सचर है वो टफ़ नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो हार्ड हो गया तो इट मीन्स क्या है कि जो फिश है उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। और ये कुछ एक अपने जजिंग, हाउ टू जज क्वालिटी ऑफ फ्रेश ऑफिस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आ जाता है 4 नंबर में, तो इसको ज़रूर कर लेना भी। नेक्स्ट कुछ देर बाद मिलेंगे हम लोग कुकिंग और नेक्स्ट आगे पार्ट से, जिसके अंदर है कुकिंग ऑफ फिश, स्मोकिंग, पिकलिंग, साल्टिंग, डिहाइड्रेशन ठीक है। चलो ओके भाई।